हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही प्यारा सा ये डोरमेट का डिज़ाइन। इसे आप डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं या इसे आप थालपोश की जगह यूज़ कर सकते हैं और या इसे आप सेंटर टेबल पर भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। देखिए, यहाँ पर हमने इसको चार कलर में बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो दो कलर में भी बना सकते हैं, लेकिन चार कलर में ये बहुत ही प्यारा बनता है। और देखिए, मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। इसकी पत्तियाँ बहुत प्यारी सी इस तरह से बनकर आती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं देखने में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डोरमेट को आज हम बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर फोर कलर की वूल ली है और 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। वूल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, थोड़ी सी मेरी यहाँ पर वूल ये मोटी है। पायदान के लिए इस तरह की वूल बहुत अच्छी रहती है, तो हम इस वूल से ही इसको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस पायदान को बनाना सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम व्हाइट कलर से इसमें फंदे डालेंगे। फंदे बिल्कुल हम सिंपल धागे से डालेंगे। और तो यहाँ पर देखिए, हम इसमें सिंगल धागे से 30 फंदे डालेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से करते हुए हम 30 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें टोटल 30 फंदे डाल लिए हैं। आप देखिए, पहली सिलाई हमारे डिज़ाइन की राइट साइड से पूरी उल्टी बुनेंगी और इस पायदान में जितनी भी सिलाइयाँ हम बुनेंगे वो उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। तो ये राइट साइड से हम इसमें पूरी सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी सिलाई में आ जाते हैं। इस पायदान में हमें कोई भी फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है। इन्हीं 30 फंदों पर, यानी कि 30 फंदों पर हमारा ये पायदान बनेगा। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब एक फंदे को हम ऐसे बगैर बुना उतार देंगे ताकि यहाँ से हमारी किनारी बहुत अच्छी आए। अब यहाँ पर हम 9 फंदों को बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 फंदे हमने बुन लिए। तो ये टोटल हमारे देखिए यहाँ पर 10 फंदे हो गए, ये देखिएगा। अब यहाँ से हम देखिए 5 फंदे अब हम यहाँ पर ब्लैक कलर से बुनेंगे। तो ब्लैक कलर को ऐड करते हुए यहाँ पर देखिएगा, 5 फंदे हम ब्लैक कलर से बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब एक और कलर ऐड करेंगे हम, ग्रीन कलर। अब यहाँ पर इससे भी हम 5 फंदे बुनेंगे। फाइव फंदे हम ग्रीन कलर से बुनेंगे। अब लास्ट में देखिए, हमारे पास सॉरी लास्ट में यहाँ पर 10 फंदे बचे हैं हमारे पास। देखिए, अब ये 10 फंदे हम यहाँ पर रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से करते हुए हमें सेकंड रो में उल्टी तरफ से अपने तीनों कलर और ऐड कर दिए हैं। तो टोटल हमारे ये 4 कलर यहाँ पर ऐड हो गए हैं। हमने व्हाइट कलर से फंदे डाले थे और रॉन्ग साइड से हमने ये 3 कलर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये लास्ट के 10 फंदे हम यहाँ पर बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब सीधी सिलाई में देखिएगा, इधर भी हमें फंदे को बगैर बुना उतारना है ताकि यहाँ पर हमारा होल ना आए। और अब हमें जिस कलर से भी फंदे नजर आएंगे, जैसे भी, उसी कलर से बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये 10 फंदे जिसमें से 1 फंदा हमने बगैर बुना उतारा और 9 फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बुन लिए हैं। अब धागे को पीछे करेंगे और क्रॉस करते हुए ये ग्रीन कलर का धागा आगे लाएंगे और 5 फंदे हम इस ग्रीन कलर से बुनेंगे। अब इस धागे को पीछे करेंगे, ब्लैक कलर के धागे को आगे लाएंगे और 5 फंदे हम ब्लैक कलर के धागे से बुनेंगे। अब ये वाला धागा पीछे ले जाएंगे, व्हाइट कलर का धागा आगे लाएंगे और 10 फंदे हम व्हाइट कलर के धागे से बुनेंगे। देखिएगा इस तरह से। अब ये वाली उल्टी सिलाई को बहुत ध्यान से देखिएगा, 1 फंदा हम बगैर बुना उतारेंगे यहाँ पर। अब ये 9 फंदे जो थे, इसमें से हम 8 फंदे बुनेंगे व्हाइट कलर से। ये देखिए,
एक फंदे को हमने बगैर बुना उतारा और 8 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए, तो टोटल हमारे 9 फंदे हो गए। अब देखिए इस एक पाइट वाले फंदे को हम ब्लैक कलर से बनाएंगे और टोटल हमें यहाँ पर फिर से 5 फंदे ब्लैक कलर से बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो एक ब्लैक कलर का फंदा बचा है इसको हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और टोटल 5 फंदे हम ग्रीन कलर से बनाएंगे। ये देखिए, यानी कि एक एक फंदा हमें इधर करते जाना है। इधर हमारे व्हाइट फंदे कम होते जाएंगे और इधर इधर हमारे ये वाले फंदे इधर बनते जाएंगे। अब देखिए रेड कलर के धागे से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 फंदे हमने यहाँ पर रेड कलर से बुन लिए। अब ये 2 फंदे जो हैं हम वो यहीं पर छोड़ देंगे और सिलाई को टर्न कर लेंगे। अब इस सिलाई में जिस कलर से भी जो फंदे नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए उल्टी सिलाई देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ पर 7 फंदे बुनेंगे। ये देखिए हमने 7 फंदे यहाँ पर बुन लिए। अब फिर से हम यहाँ पर देखिए 5 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे। फाइव फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए रेड कलर से ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे और 2 फंदे और हम इधर छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से 2 2 फंदों को इधर छोड़ते जाएंगे। अब फिर से जैसे कलर से हमें जो फंदे नजर आएंगे उसी कलर से बनाते हुए सिलाई को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कंप्लीट कर ली। अब देखिए उल्टी सिलाई, ये फंदा हम बगैर बुना उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 1 2 3 4 5 6 फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे। अब ब्लैक कलर से हम यहाँ पर 5 फंदे बनाएंगे। 5 फंदे हम यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड कलर से 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हम यहाँ पर देखिए रेड कलर से बनाएंगे और 2 फंदे और इधर छोड़ देंगे। अब सीधी सिलाई में जिस कलर से फंदे नजर आएंगे जो भी उसी कलर से बनाते हुए उस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब देखिए उल्टी सिलाई देखिए, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ पर 5 फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे। 5 फंदे ब्लैक कलर से बनाएंगे। फाइव फंदे ग्रीन कलर से बनाएंगे। और रेड कलर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6, 6 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। 2 फंदे और इधर छोड़ देंगे। अब सिलाई को टर्न करते हुए जिस कलर से जो फंदे नजर आएंगे उसी कलर से बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब उल्टी सिलाई में फिर से हम इधर एक फंदा कम करते जाएंगे और इधर 2 2 फंदे हम छोड़ते हुए जब तक हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे नहीं बच जाते तब तक हम इसी तरह से एक एक फंदा इधर व्हाइट कलर का कम करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पत्ती को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे लास्ट में 2 फंदे व्हाइट कलर से रह जाएंगे और इधर भी हमने देखिए 2 2 करते हुए फंदों को छोड़ा है। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमने इधर छोड़ दिए थे। और यहाँ पर इस तरह से करते हुए देखिए हमारी, हम यहाँ पर रो भी गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 रो में हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से फंदे छोड़ दिए हैं।
और इधर हमारे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पंदे हैं। तो अब देखिए अब हमारी ये पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी सिलाई में देखिएगा, उल्टी सिलाई में हम पूरी सिलाई को देखिए, पहले फंदे को हम बगैर बुना उतारेंगे, बाकी जितने भी फंदे हैं हम ये व्हाइट कलर के साथ बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी सिलाई व्हाइट कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से टोटल 20 सिलाई में हमारी इतनी पत्ती बनकर तैयार हुई है। और अब यहाँ से फिर से जैसे हमने फर्स्ट रो से ये सिलाई पूरी व्हाइट कलर से उल्टी बनाई थी, ऐसे ही ये बनाएंगे। और फिर हम रॉन्ग साइड से जैसे हमने यहाँ पर फंदे बनाए थे 10 व्हाइट कलर से यहाँ पर फंदे बनाएंगे, इसके बाद 5 ब्लैक कलर से, 5 ग्रीन कलर से और लास्ट के 10 फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से हम इसी पत्ती को इसी तरह से बनाएंगे। और ध्यान रखिएगा आपको इधर भी फंदे को बगैर बुने उतारना है हमेशा, जब भी आप इधर आएंगे, और इधर से भी हमें देखिए फंदे को इस तरह से बगैर बुना उतारना है। तो ये हमारी किनारी बहुत अच्छी बनकर आती है इस तरह से करते हुए। तो जब हम इसी पत्ती को रिपीट करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी पत्ती में इसको बनाया है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने 15 पत्ती में इसको बनाकर तैयार किया है। आप चाहें तो इससे कम भी पत्तियां रख सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी पत्ती इसमें रख सकते हैं, आपकी मर्जी। आपको जितना भी बड़ा बनाना है, अगर आप फंदे भी इससे ज्यादा रखना चाहें तो इससे ज्यादा रख सकते हैं। आप इसको 40 फंदों पर भी बना सकते हैं या फिर आप इसको इससे छोटा भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जिस तरह से भी आप बनाएं, इसमें आप फंदों का हिसाब रख लीजिएगा। अगर आप 40 फंदे पर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या अगर आप इसे इससे छोटा बनाना चाहते हैं 20 फंदे पर, तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें कितने फंदों पर इसको बनाना है। बहुत ही प्यारा सा लगता है बनने के बाद, इसको आप ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरे इस तरह के और भी थालपोश या डोरमेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक से और नए से डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।